Previous classes we have done indefinite integral. Today I will start definite integration. ठीक है, तो सबसे पहले definite integral को हम लोग define करते हैं. Let fx be a continuous function. On an interval AB. On an interval AB. Close interval AB हम यहां पे ले रहे हैं. And integral of fx with respect to x is equal to fx. यहां पर भी हम arbitrary constant नहीं ले रहे हैं. Then the definite integral of fx over the interval AB denoted by किस तरह से डिनोट करते हैं, a टू b fx dx इज डिफाइंड एज किस तरह से इसे डिफाइंड करेंगे देखें. तो इनडेफिनिट इंटीग्रल का जो वैल्यू है उसको हम जो भी आएगा वो हम देंगे, उस पर लिमिट a टू b लगा देंगे. इसका क्या आ जाएगा, पहले b का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और फिर माइनस करके a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. क्लियर, इसको पढ़ेंगे कैसे, रीड एज डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम लोअर लिमिट टू अपर लिमिट. ठीक है, कहता फंक्शन इस इंटरवल में क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए और उसका इंटीग्रल क्या आ रहा है, एफ एक्स. तो कहता है डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स ओवर द इंटरवल ए बी कैसे डिनोट करेंगे, इस तरह से डिनोट करेंगे. इसको पढ़ेंगे क्या, डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम ए टू बी, उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, चूंकि आपने इनडेफिनिट इंटीग्रल निकाल चुका है, कैसे निकाला जाता है पता है, उस पर हम लिमिट क्या करेंगे लगा देंगे. फंक्शन चूंकि क्लोज इंटरवल में क्या है, कंटिन्यूअस है, इसीलिए ज्यादातर हम लेफ्ट हैंड लिमिट लें, राइट हैंड लिमिट लें या वैल्यू ऑफ द फंक्शन ले, तीनों क्या होता है, अगर किसी पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन. यहाँ पर हमने वैल्यू ऑफ द फंक्शन ही सिर्फ ले दिया. ठीक है, ए को हम लोग क्या कहेंगे, लोअर लिमिट, बी को हम लोग क्या कहेंगे, अपर लिमिट ऑफ द इंटीग्रल. क्लियर है, ए इज कॉल्ड लोअर लिमिट, लोअर लिमिट, और बी को हम लोग क्या कहेंगे, अपर लिमिट ऑफ द इंटीग्रल. वैल्यू यहां से हम देख रहे हैं कि वैल्यू क्या आएगा, यूनिक आएगा. ठीक है, एफ बी माइनस एफ ए, जो भी फंक्शन हो किसी पॉइंट पर अगर वैल्यू लेंगे, माइनस क्या लेंगे, लोअर लिमिट पर उसका अगर हम वैल्यू लेते हैं तो दिस माइनस दिस क्या आएगा, यूनिक रिजल्ट देगा. तो वैल्यू ऑफ, यहां से हम क्या देख रहे हैं, वैल्यू ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल इज यूनिक अथवा सा. देखें इनडेफिनिट इंटीग्रल में क्या होता है, डेफिनिट इंटीग्रल का वैल्यू तो यूनिक होगा, लेकिन इनडेफिनिट इंटीग्रल में हम लोग क्या देखते हैं, डिफरेंट कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के लिए डिफरेंट फंक्शन होता है. कैसे देखें आप, एफ इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू हम लोग क्या लेते हैं, एफ एक्स प्लस सी के डिफरेंट वैल्यू के लिए डिफरेंट फंक्शन होगा. तो देयरफॉर ए टू बी
fx dx, this will equal to, according to definition, fx plus c a to b. पहले हम b का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा, fb plus c. माइनस क्या आएगा, fa है ना प्लस सी, सी और सी क्या हो गया कैंसिल हो गया, ये आ गया एफ बी माइनस एफ ए. क्लियर हो गया. यहां से हम देख रहे हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल में डिफरेंट फंक्शन आएगा, डेफिनिट इंटीग्रल का वैल्यू क्या होगा, फिक्स होगा. जैसे हमने कहा था, एक चीज और यहां पे हम लोग गौर कर लें, इनफैक्ट इनफैक्ट क्या देख रहे हैं, इफ इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू एफ एक्स, देन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, दिस विल इक्वल टू, हम क्या ले रहे हैं, एफ एक्स ए टू बी. क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो हमने इसको क्या ले सकते हैं, अब गौर से देखिए इंटरवल क्या है, ए टू बी. तो चूंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ए पर हम लोग क्या ले सकते हैं, तो किसी भी पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन. यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं निकाल सकते हैं, तो यहां, और यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, राइट हैंड लिमिट नहीं निकाल सकते हैं. ठीक है, तो यहां पर हम लोग अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो देखिए आप यहां पर लिख सकते हैं, अगर लिमिट के केस में लिखना हो तो लिमिट एक्स टेंस टू बी माइनस जीरो, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट. क्योंकि इस यहां पर हम राइट हैंड लिमिट नहीं ले सकते, क्या क्या ले सकते हैं, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है इस पे तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, अगर इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है तो राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन. इस पॉइंट पर अगर लेना होगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, इस पॉइंट पर लेना होगा तो राइट हैंड लिमिट. ये आ गया एफ एक्स माइनस क्या हो गया, लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस जीरो एफ एक्स, ये राइट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट किया. दिस विल इक्वल, चूंकि अब फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ वी माइनस एफ एल. ठीक है, क्लियर हो गया. ऐसे भी कर सकते हैं, सपोज डैट ऐसा लिखे हम लोग, सपोज डैट इफ, सपोज डैट इफ एफ एक्स जो फंक्शन आ रहा है, इफ एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए एंड कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू बी. सपोज है ना, डिसकंटिन्यूअस कहां है, एक्स इक्वल टू ए और कंटिन्यूअस कहां है, बी पे. तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे देयरफॉर ए टू बी एफ एक्स डी एक्स दिस विल इक्वल टू, अगर बी पे कंटिन्यूअस है तो यानी वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, तो अपना डायरेक्ट हम ले लिए वैल्यू ऑफ द फंक्शन. अगर डिसकंटिन्यूअस हो रहा है यहां पे तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, लिमिट लेके देखेंगे, वनली क्या लेके देखेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस जीरो एफ एक्स. क्लियर हो गया, यही बेनिफिट है लिमिट को देखने. ठीक, दूसरा केस लेते हैं कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए एंड डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू बी. तो उस केस में माने लिमिट इज नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट बी पर निकाल लेंगे. क्लियर है, नेक्स्ट लिखते हैं. इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए एंड डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू
बी। तो क्या होगा उस केस में, देन इंटीग्रल ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, जिस बी पर डिसकंटिन्यूअस है तो यहां पर हम लोग क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, और कंटिन्यूअस है तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन डायरेक्ट ले लेंगे। समझ में आ गया, क्लियर है। अब हम जो बेसिक था वो हमने क्लियर कर दिया कि डेफिनेट इंटीग्रल क्या है, उसमें वर्किंग मेथड हमने क्या देखा कि इनडेफिनिट इंटीग्रल जो डिफिनेशन था उससे हम लोग क्या देख रहे हैं कि इनडेफिनिट इंटीग्रल से हम निकाल लेंगे वैल्यू, उसके बाद लिमिट को लगाएंगे, अगर जिस पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा डिसकंटिन्यूअस होगा तो वहां पर हम लोग लिमिट ले लेंगे। इस तरह से हम देखते हैं प्रॉब्लम के टाइप्स, अगर हम देखें तो डेफिनेट इंटीग्रल को हम लोग टू पार्ट्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, यानी डेफिनेट इंटीग्रल को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम के दृष्टिकोण से। पहला है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, एक हम प्रॉपर्टीज पर लेके जाएंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, और दूसरा हम लोग देखेंगे वो है एरिया, है ना। तो डेफिनेट इंटीग्रल के प्रॉब्लम को दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं, एक है डेफिनेट इंटीग्रल के प्रॉपर्टीज पर जो बेस्ड प्रॉब्लम है, दूसरा जो है एरिया पर बेस्ड प्रॉब्लम है, क्लियर है। तो हम प्रॉपर्टी को देखें, अब प्रॉपर्टी का हम यहां पे प्रूफ नहीं देंगे, ठीक है, तो आ रहे हैं प्रॉपर्टीज, पहला प्रॉपर्टी हम लोग आ जाएं, क्लियर है, क्या है, पहला प्रॉपर्टी कहता है कि अगर हम वेरिएबल को चेंज करते हैं तो डेफिनेट इंटीग्रल का वैल्यू चेंज नहीं करता है, यानी क्या हो गया पहला प्रॉपर्टी, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स दिस विल इक्वल टू एफ टी टी टी, अगर हम वेरिएबल को चेंज कर दें तो डेफिनेट इंटीग्रल का वैल्यू चेंज नहीं करता। दूसरा प्रॉपर्टी देखिए, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स दिस विल इक्वल टू माइनस बी टू ए एफ एक्स डी एक्स, अगर हम लोग लिमिट को इंटरचेंज कर दें तो डेफिनेट इंटीग्रल का साइन क्या, वैल्यू चेंज नहीं करेगा, सिर्फ क्या चेंज कर जाएगा, साइन चेंज कर जाएगा, क्लियर है। अब तीसरा प्रॉपर्टी पर आ रहे हैं, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स दिस विल इक्वल टू ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, वेयर क्या हो गया, सी इज एनी पॉइंट इन द इंटरवल, इन द इंटरवल ए बी, ठीक है, क्लियर है। कहता क्या है कि इंटरवल को यदि हम सब इंटरवल में ब्रेक कर देते हैं, ठीक है, मैंने हम क्या किया ए बी सी, अगर इंटरवल को सब इंटरवल में हम ब्रेक कर दें तो क्या होगा, तो यानी कि क्या होगा, एक तरह से ऐसे बोलो कि इंटरवल को दो इंटरवल में ब्रेक कर दिए, दो सब इंटरवल में ब्रेक कर दिए, तो इंटीग्रेशन को हम क्या करते हैं, लिमिट क्या लेंगे, ए टू सी एंड सी टू बी। उसी तरह से अगर हम इंटरवल को एन सब इंटरवल में डिवाइड कर दें, जैसे हम जनरल फॉर्म ले रहे हैं तीसरे का, मिटा दें ऊपर, इन जनरल एंड जनरल फॉर्म एफ ए लेस देन सी वन लेस देन सी टू लेस देन सी थ्री एंड सो ऑन लेस देन सी एन लेस देन बी, अगर इंटरवल ए बी को एन प्लस वन सब इंटरवल में हम डिवाइड कर दें तो क्या होगा, इंटीग्रेशन भी क्या हो जाएगा,
जो इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एस है वो ए एन प्लस वन इंटीग्रल में डिवाइड हो जाएगा। तो ए सी वन एफ एक्स डी एक्स, फिर क्या हो दूसरे सब इंटरवल को लेंगे सी वन टू सी टू एफ एक्स डी एक्स, फिर तीसरे सब इंटरवल को लेंगे सी टू टू सी थ्री एफ एक्स डी एक्स एंड सो ऑन, लास्ट क्या आ जाएगा सी एन टू बी एफ एक्स डी एक्स। क्लियर? कहने का मतलब इंटरवल को हम सब इंटरवल में पार्टीशन करके उसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। क्लियर है? बस यही समझना है इसमें। चौथा नंबर प्रॉपर्टी है ये, फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी पे आ रहे हैं। प्रूफ नहीं दे रहे, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स दिस विल इक्वल टू ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। प्रूफ है लेकिन हम यहां समय जाया नहीं कर रहे। तो स्पेशल केस अगर हम लें जिसका सबसे ज्यादा यूज होता है, इसलिए हम यहां पर दे रहे हैं स्पेशल केस, एफ ए इक्वल टू जीरो एंड बी इक्वल टू ए, देन क्या होगा, देन जीरो टू ए, तो ए को यदि हम जीरो लिए बी के जगह पर ए लिए तो क्या आ जाएगा जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स दिस विल इक्वल टू जीरो टू एफ, ए के जगह पर जीरो लेंगे बी के जगह पर ए लेंगे तो आ जाएगा एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। इस प्रॉपर्टी का यूज हम लोग जनरली सबसे ज्यादा करते हैं। क्लियर हो गया? ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, लेकिन इसका हम सबसे ज्यादा यूज करेंगे। स्पेशल केस इसका ले रहे हैं कि एफ ए इक्वल टू जीरो बी इक्वल टू ए, तो क्या आ गया डेफिनेट इंटीग्रल क्या हो गया का लिमिट क्या हो गया जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स दिस विल बी जीरो टू ए, क्या आ जाएगा ये जीरो होगा ये ए हो गया ए माइनस एक्स डी एक्स। क्लियर है? फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टी इवन ऑड का है। पांचवा नंबर प्रॉपर्टी देखें, माइनस ए टू ए लिमिट क्या ले रहा है माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स दिस विल इक्वल टू क्या हो गया टू जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, क्या हो जाएगा लिमिट क्या हो गया माइनस ए टू ए कन्वर्ट किस में आ जाएगा टू जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स, कब इफ एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन, इफ एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन। अब इवन फंक्शन किसे कहते हैं, कहता क्या है कि अगर एक्स के जगह पे माइनस एक्स रखने पे, कहने का मतलब हो गया इफ एक्स के जगह पे माइनस एक्स रखने पर अगर फंक्शन का साइन चेंज नहीं करता है, यानी सेम फंक्शन आता है वैसे ही वैसे फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं इवन फंक्शन। जैसे एग्जांपल के लिए देखो एफ एक्स इज इक्वल टू ले रहे हैं कॉस एक्स, तो एफ माइनस एक्स एक्स को किस एक्स के जगह पर क्या रख रहे हैं माइनस एक्स, तो यहाँ क्या आ जाएगा कॉस माइनस एक्स, और याद होगा कॉस माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो गया कॉस एक्स, यानी फंक्शन का साइन चेंज नहीं करेगा, ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं इवन फंक्शन। क्लियर? अब देखो यहाँ पे अब दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर फोर, तो एफ माइनस एक्स टू दी पावर फोर यानी एक्स टू दी पावर फोर, ये क्या आ गया एफ एक्स ही आ गया, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं इवन फंक्शन। तो कह रहा है कि यदि लिमिट क्या है माइनस ए टू ए है और एफ एक्स इवन फंक्शन है तो इंटीग्रल किस में कन्वर्ट हो जाएगा लिमिट कैसे चेंज होगा टू इंटू लिमिट क्या हो जाएगा जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट हम या नेक्स्ट कह रहे हैं यदि ये एफ एक्स ऑड फंक्शन, मिटा दें इसे, इफ एफ दिस विल इक्वल टू जीरो एफ एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन, एफ एक्स क्या है ऑड फंक्शन, दैट इज इसका मतलब क्या होगा अगर एक्स के जगह पे माइनस एक्स रखने पे फंक्शन का साइन चेंज कर जाता है तो वैसे फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं ऑड फंक्शन कहेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए देखो
एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। तो एक्स के जगह पर माइनस एक्स रखने पर क्या आ जाएगा, साइन माइनस एक्स दिस विल इक्वल टू माइनस साइन एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स। अब दूसरा एग्जांपल देखें, एफ एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स लो और एक्स के जगह पे माइनस एक्स रख के देखो तो क्या आ जाता है, टेन माइनस एक्स दिस विल इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस टेन एक्स माइनस एफ एक्स। ये क्या है, या भी ऐसा भी देख सकते हो, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब ले लो तो एफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस एक्स होल क्यूब, ये आ जाएगा माइनस एक्स होल क्यूब दिस विल इक्वल टू माइनस। ये भी क्या हो गया, एक्स का जगह पे माइनस एक्स रखने पे फंक्शन का साइन चेंज कर गया। तो वैसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑड फंक्शन बोलते हैं। क्लियर हो गया। अब आते छठा प्रॉपर्टी देखिए, सिक्स नंबर प्रॉपर्टी, इसको मिटा दे, ठीक है। सिक्स नंबर प्रॉपर्टी है, ये कह रहा है जीरो टू टू ए, जीरो टू टू ए एफ एक्स डी एक्स दिस विल इक्वल टू, ये आएगा जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स प्लस जीरो टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। प्रूफ नहीं दे रहे। अब यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, दिस विल इक्वल टू टू जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स एफ, सॉरी यहाँ पर है एफ टू ए माइनस एक्स, सॉरी जीरो टू ए एफ टू ए माइनस एफ एफ टू ए माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स। ऑब्वियस है, इफ एफ टू ए माइनस एक्स इक्वल टू, यदि एफ एक्स आ जाएगा तो यहाँ पर यदि एफ एक्स आ जाएगा तो सेम फंक्शन को ऐड करेंगे तो टू से मल्टीप्लाई करते हैं। कहता है दिस विल इक्वल टू जीरो एफ एफ टू ए माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। अगर दिस इक्वल टू माइनस एफ एक्स हो जाएगा तो दिस माइनस दिस क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो इसका यूज हम जनरली करते हैं जब ये दोनों केस आता है, मैंने एफ टू ए माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स आ जाए या एफ टू ए माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स आ जाए, तो हम इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ एक्स, क्लियर है, रिमूवल ऑफ एक्स। रिमूवल ऑफ एक्स सेवेंथ नंबर, रिमूवल ऑफ एक्स कह रहा है जीरो टू ए एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स, मैंने एक्स से मल्टीप्लाई है तो एक्स को हटा देना, तो दिस विल इक्वल टू क्या आएगा, ए बाई टू जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स एफ एफ ए माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। कहता है कि लिमिट क्या लिया हुआ, जीरो टू ए एक्स एफ एक्स डी एक्स, उस केस में यदि एफ ए माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स आता है तो एक्स को हम लोग क्या करते हैं, रिमूव कर लेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए बाई टू इंटू इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम जीरो टू ए। क्लियर है, इसका प्रूफ दे देते हैं कि एक्स कहाँ जाता है, तो रिमूवल ऑफ एक्स का प्रूफ देख लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जीरो टू ए एक्स एफ एक्स डी एक्स दिस विल इक्वल टू जीरो टू ए क्या आ जाएगा, ए माइनस एक्स एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। क्योंकि हम पहले पढ़ाया था आपको, बोले थे कि सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, दिस विल इक्वल टू जीरो टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, क्लियर है। दिस विल इक्वल टू जीरो टू ए माइनस एक्स, क्योंकि प्रॉपर्टी क्या है आपको, जस्ट हमने क्या लिया था, एफ ए माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स
डी एक्स, क्लियर। ऊपर मिटा दें, अब देखो यहां पे दिस विल इक्वल टू क्या आ जाएगा, अलग अलग कर दें, ए जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स माइनस जीरो टू ए एक्स एफ एक्स डी एक्स, क्लियर है। तो जीरो टू ए एफ को लिख लो यहाँ पे, दिस इंप्लाइज जीरो टू ए एक्स एफ एक्स डी एक्स, इधर चला आएगा तो क्या आ जाएगा, टू जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स, दिस विल इक्वल टू ए जीरो टू ए, ए इंटू क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम जीरो टू ए। अब टू इधर नीचे चलाएंगे तो देखो एक्स क्या हो गया, रिमूव हो गया, तो दिस या दिस देयरफॉर क्या आ जाएगा, जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए बाई टू जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स, कब होगा, एफ हमने क्या प्रॉपर्टी यूज किया था, एफ ए माइनस एक्स इक्वल टू क्या लिया था, एफ एक्स, ठीक है। रिमूवल ऑफ एक्स, एक्स हट गया तो प्रॉब्लम इजिली, अब इसको हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर, इतना ही प्रॉपर्टी, ज़्यादा जानना जरूरी था, प्रॉपर्टी और भी है लेकिन इससे आपका काम चल जाएगा। अब प्रॉब्लम्स पे आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर वन देखो, इवैल्यूएट जीरो टू वन फोर एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन डी एक्स, ठीक है। अब देखो यहां पे हमने डिफिनीशन में पढ़ाया था, अभी प्रॉपर्टी को छोड़ दो, तो हमने डिफिनीशन में क्या पढ़ाया था आपका, कि पहले हम इनडेफिनिट इंटीग्रल से वैल्यू निकाल देते हैं उसके बाद लिमिट को लगाते हैं, क्लियर है। यही ना पढ़ाया था कि एफ, देखो हमने बताया था, क्या बताया था, कि इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स देन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स ए टू बी। तो हम कोशिश करते हैं कि पहले इंडेफिनिट से ही रिजल्ट निकाल के, ही प्रॉपर्टी हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, पहले इंडेफिनिट के ही मेथड से हम चलते हैं, कि इंडेफिनिट से ही इंटीग्रेट करने के बाद लिमिट को लगा कर देखते हैं, क्लियर है। तो देखो यहाँ पे, तो देयरफॉर इंटीग्रल आई इंडेफिनिट से अगर हम करेंगे तो 4 इंटू एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 प्लस 3 एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 2 एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स, ठीक है, हो गया। इंडेफिनिट इंटीग्रल से इसको इंटीग्रेट कर लिए और 0 टू 1 लिमिट लगा दिया, 4 4 कैंसिल है, 3 3 कैंसिल है, एक्स टू दी पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 0 टू 1, 1 प्लस 1 पहले 1 रखेंगे फंक्शन, ये फंक्शन है आपका, माइनस 1 प्लस 1, अब 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, 0 प्लस 0 माइनस 0 प्लस 0, दिस विल इक्वल टू 2, क्लियर है, ठीक है ना। एक और प्रॉब्लम देखते हैं, इंडेफिनिट के ही मेथड से पहले करके देखते हैं, इवैल्यूएट इवैल्यूएट 0 टू पाई बाई 2 साइन क्यूब थीटा डी थीटा। इंडेफिनिट से हम साइन क्यूब थीटा को तो आपको बता चुके हैं, तो आई इक्वल टू लिमिट क्या ले रहे हैं, 0 टू पाई बाई 2 साइन क्यूब थीटा डी थीटा, दिस विल इक्वल टू क्या हो गया, 0 टू पाई बाई 2, अब डिग्री को रिड्यूस करेंगे फॉर्मूला से तो ये क्या आ जाएगा, 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा
अपॉन क्या आ गया 4, ठीक है, फार्मूला लगा दिया। दिस विल इक्वल टू, अब अलग अलग करो, 3/4 0 to π/2 साइन थीटा डी थीटा -1/4 साइन 3θ डी थीटा, क्लियर है। दिस विल इक्वल टू 3/4 -cos θ साइन थीटा का इंटीग्रल क्या होता है, -cos θ 0 to π/2, यहाँ भी लिमिट लगा देते हैं, -1/4 -cos 3θ, और थीटा का कोफिशियंट क्या है 3, 3 से डिवाइड कर देंगे, 0 to π/2, क्लियर है, ठीक है, ऊपर मिटाएं। दिस विल इक्वल टू -3/4 cos π/2 क्या होता है 0, और cos 0 क्या होगा, यह लिख लो पहले, पहले लिमिट ही लिख दो, cos π/2 माइनस क्या हो गया cos 0, माइनस माइनस क्या हो गया +1/4 1/12 cos 3/3π/2 माइनस क्या हो गया cos 0, cos π/2 क्या हो गया 0, cos 0 क्या होता है 1, तो दिस विल इक्वल टू -3/4 0 - 1 प्लस क्या आ गया 1/12 cos 3π/2 क्या होगा 0, और cos 0 क्या आ गया 1, दिस विल इक्वल टू, यहाँ लिख देते हैं, अब इसके बाद दिस विल इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 3/4 माइनस क्या आ गया 1/12, दिस विल इक्वल टू क्या आ गया 12, 9 - 1 8/12 दिस विल इक्वल टू 2/3। हम देख रहे हैं कि अगर नहीं समझ में आ रहा, प्रॉपर्टी नहीं भी याद है, तो इनडेफिनिट इंटीग्रल से हम वैल्यू निकाल करके उस पर लिमिट को इम्पोज कर देंगे, ठीक है। एक प्रॉब्लम और देख रहे हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम, (0 to π/4) sin 2x into sin 3x dx। इसको क्या फॉर्मूला लगाएंगे, इनडेफिनिट में पढ़ा दिए, 2sin a into sin b, दिस विल इक्वल टू, लिख लो, लेट i इक्वल टू 0 to π/2 sin 2x इंटू sin 3x dx, दिस विल इक्वल टू 1/2 2sin 3x इंटू sin 2x dx, 2sin a into sin b, ठीक है, तो दिस विल इक्वल टू 1/2 0 to π/2 2sin a into sin b क्या होता है cos a - b, तो cos a - b यानी cos x -cos a + b यानी cos 5x, दिस विल इक्वल टू 1/2 cos x का इंटीग्रल क्या होता है sin x, यहाँ क्या आ जाएगा sin 5x / 5 0 to π/2, क्लियर। अब देखो यहाँ पे π/4 है लिमिट, यहाँ ठीक है, दिस विल इक्वल टू 1/2, अपन लिमिट लगाएंगे sin π/4 -1/5 sin 5π/4 माइनस 0 लेंगे तो 0 ही, साइन 0 0 0, ठीक, दिस विल इक्वल टू 1/2 1/√2 -1/5 5π/4 क्या आ जाएगा -1/√2,
माइनस वन बाई रूट टू, ठीक है। यानी क्या हो गया आपका वैल्यू, ऊपर मिटा दे, दिस विल इक्वल टू वन बाई टू, वन बाय रूट टू कॉमन ले लेते हैं, इधर क्या बच जाएगा वन माइनस माइनस प्लस वन बाई फाइव, ये आ गया वन बाई टू रूट टू, वन बाई टू रूट टू सिक्स बाई फाइव, यानी क्या हो गया थ्री अपॉन फाइव रूट टू, क्लियर है। अब आपने देख लिया, एक आध प्रॉब्लम और इस पर देखते हैं इनडेफिनिट के मेथड से ही सॉल्व करके। नेक्स्ट इवैल्यूएट जीरो टू पाई बाई टू और डी एक्स बाय वन प्लस साइन एक्स, ठीक है। तो इनडेफिनिट में मैंने के मेथड इस प्रॉब्लम को इनडेफिनिट से हमने सॉल्व किया था, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। तो वन माइनस साइन एक्स से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो वन माइनस साइन एक्स अपॉन क्या आ जाएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। दिस विल इक्वल टू जीरो टू पाई बाई टू वन माइनस साइन एक्स अपॉन क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। दिस विल इक्वल टू जीरो टू पाई बाई टू वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स साइन बाई कॉस क्या आ गया टेन एक्स और वन बाई कॉस क्या आ गया सेक एक्स, ठीक है। अब आ गया सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा टेन एक्स, यह sec x का डिफरेंशिएशन tan x इंटू sec x, इसका इंटीग्रल क्या आ जाएगा sec x जीरो टू पाई बाई टू, ठीक है। अब गौर से देखिए, अगर हम लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं तो गौर से देखो क्या आएगा, tan पाई बाई टू क्या होगा, अगर पाई बाई टू का वैल्यू रखें तो tan पाई बाई टू इन्फिनिटी, sec पाई बाई टू भी क्या होता है इन्फिनिटी होता है। इस केस में हम वैल्यू नहीं ले सकते हैं अपर लिमिट में, तो वहां पर हम लोग क्या लेंगे, हम याद होगा ए टू बी सॉरी, तो इस केस में हम लोग क्या लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, यहां पर क्या लेंगे लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू माइनस क्या आ जाएगा टेन एक्स माइनस सेक एक्स माइनस, अब जीरो रखेंगे तो टेन जीरो क्या होता है जीरो, सेक जीरो क्या होता है वन, क्लियर हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे लिमिट को सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, ऊपर मिटा दें, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमको एल हॉस्पिटल रूल लगा दें डायरेक्ट बेटर होगा, तो यह आ गया लिमिट एक्स टेंस टू, तो एल हॉस्पिटल रूल लगाने के लिए आइदर जीरो बाय जीरो और या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी करना होगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या कर लें, तो सबसे पहले कर लें साइन बाई कॉस, साइन एक्स साइन बाई कॉस वन बाई कॉस, यानी साइन एक्स माइनस वन अपॉन कॉस एक्स प्लस क्या आ गया वन, ये क्या आ गया साइन पाई बाई टू जीरो वन, वन माइनस वन जीरो, यहां कॉस पाई बाई टू क्या आ गया जीरो, यानी जीरो बाई जीरो का फॉर्म, यानी ऊपर न्यूमरेटर को भी एल हॉस्पिटल रूल के अनुसार न्यूमरेटर को अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे और डिनोमिनेटर को अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब रख के देखते हैं, तो लिमिट एक्स टेंस टू सॉरी वन को इधर ले आते वन प्लस लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए माइनस इंडिकेट कर रहे हैं साइन एक्स, अब इसको डायरेक्ट करो तो ये आ जाएगा साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे कॉस एक्स, वन का जीरो कॉस का क्या आ जाएगा माइनस साइन एक्स। अब वैल्यू रख कर देखते हैं कि जीरो बाय जीरो या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आ रहा है नहीं आ रहा, तो कॉस नाइन्टी क्या होता है जीरो, साइन नाइन्टी क्या होता है माइनस, यानी वैल्यू आ रहा है यानी जीरो अपॉन माइनस वन, वन प्लस जीरो इक्वल टू वन, ठीक है ठीक है।
अब इसी प्रॉब्लम को हम प्रॉपर्टी से भी देखते हैं, एक बार कर कर देखते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम था आपका आई इक्वल टू जीरो टू पाई बाय टू डी एक्स बाय वन प्लस साइन। प्रॉब्लम यही था, इसको प्रॉपर्टी से यूज करके देखते हैं। मेथड टू बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसी को लगाते हैं हम लोग। तो दिस विल इक्वल टू क्या लिखेंगे, जीरो टू पाई बाय टू डी एक्स अपॉन वन प्लस साइन, क्या जाएगा पाई बाय टू माइनस। जिस प्रॉपर्टी को लगाओगे उसको लिखना होगा। यहां क्या कर रहे हैं, जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स दिस विल इक्वल टू जीरो टू ए एफ ए माइनस एक्स, यही दे दिया, ठीक है, एफ ए माइनस एक्स। अब आ रहा जीरो टू पाई बाय टू डी एक्स बाई वन प्लस कॉस एक्स, ठीक है। वन प्लस कॉस एक्स क्या आ जाएगा, जीरो टू पाई बाय टू, ये आ जाएगा टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। जीरो टू पाई बाय टू, वन बाय टू बाहर कर दें, सेक स्क्वायर एक्स बाय टू डी एक्स, ठीक है। सेक स्क्वायर एक्स बाय टू का इंटीग्रल क्या होगा, टेन एक्स बाय टू, और एक्स के कोफिशियंट से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है, ऊपर मिटा दें। दिस विल इक्वल टू हाफ टू टेन एक्स बाय टू, क्योंकि हाफ से डिवाइड करेंगे तो टू ऊपर चला जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, लिमिट इंपोज करते हैं, जीरो टू पाई बाय टू, टू और टू कैंसिल, तो टेन क्या आ गया पाई बाय फोर, माइनस टेन क्या आ गया जीरो, यानी वन माइनस जीरो। प्रॉपर्टी से भी हमने देख लिया, अब एक प्रॉब्लम को और देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, जीरो टू वन, वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स डी एक्स, ठीक है, इसको करके देखें। तो यहां पर देखो, याद होगा कि हमने पढ़ाया था ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन, ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है। हमने कहा था कि अगर डिग्री सेम है और या डिग्री ज्यादा है न्यूमरेटर का, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तब तक डिवाइड करेंगे तब तक रिमाइंडर का डिग्री आपका डिनोमिनेटर के डिग्री से क्या हो जाना चाहिए, लेस हो जाना चाहिए। तो यहाँ डिवाइड कर दें, अब देखो करते हैं, एक्स प्लस वन और यह ले लो माइनस एक्स प्लस वन, डिवाइड कर रहे हैं, यह आ गया माइनस वन एक्स माइनस वन माइनस प्लस सॉरी माइनस एक्स या प्लस प्लस, ये क्या आ गया टू, यानी दिस विल इक्वल टू क्या आ गया, जीरो टू वन माइनस वन प्लस टू अपॉन एक्स प्लस वन डी एक्स, क्लियर है। दिस विल इक्वल टू माइनस एक्स प्लस क्या आ जाएगा, टू अपॉन जनरल लीनियर का फॉर्म है एक्स लॉग एक्स प्लस वन जीरो टू वन, एक्स के कोफिशियंट से डिवाइड कर देंगे। दिस विल इक्वल टू माइनस वन प्लस टू, वन प्लस वन टू लॉग टू, माइनस क्या हो गया जीरो, लॉग वन भी क्या होता है जीरो, लिख लो माइनस टू प्लस टू इंटू जीरो, ये आ गया आपका दिस विल इक्वल टू टू लॉग टू माइनस वन, ये आंसर हो गया आपका। अब एक प्रॉब्लम को और देख ले, एक क्वेश्चन है आपका, इफ जीरो टू ए थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू एट, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, तो क्या दिया हुआ है, गिवन जीरो टू ए थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू एट, इसको इंटीग्रेट कर दो,
इनडेफिनिट के ही मेथड से, तो ये आ जाएगा आपका 3x³/3 0 to a, दिस विल इक्वल टू 8, दिस इंप्लाय 3 कैंसिल हो गया, a³ - 0 = 8, a³ = 8, देयरफॉर a इज इक्वल टू 2। थैंक यू, अब नेक्स्ट क्लास में कुछ और प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।